top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आने वाले 2-3 सालों में उसका परिणाम आपको पूरा दिख जाएगा। हिंदुस्तान की ही वो गाय जो आज 3-5 किलो दूध दे रही है, वो 50-60 किलो दूध देगी। और वो गाय देखने के लिए आपको ब्राजील नहीं जाना पड़ेगा। उसकी गौशाला अभी एक हरिद्वार में बननी शुरू हो गई है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए थे धर्म रक्षा के लिए, हम गो रक्षा के लिए ऐसी 4 वैज्ञानिक गौशाला बना रहे हैं और उसको आप आने वाले 3-5 वर्षों में मूर्त रूप में देख रहे। इसके साथ साथ आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च सरकारों ने नहीं किया जितना करना चाहिए था, वो नाम मात्र किया। हमने अभी करीब 250 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया हुआ, आगे हमारा करीब 500 करोड़ रुपए का उसके ऊपर प्रोजेक्ट है। आगे हमारा हर साल कम से कम 1000 करोड़ रुपए रिसर्च में खर्च हो, ये संकल्प है। और इसके अलावा गरीबों की सेवा, विकलांगों की सेवा, जो है विधवाओं की सेवा, अनाथों की सेवा के लिए हमने पतंजलि का 100% प्रॉफिट सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प किया। और अभी आपकी जानकारी के लिए 3 जगह हमने जमीन ले ली है। जैसा पतंजलि का प्रोजेक्ट हरिद्वार में है, वैसे ही प्रोजेक्ट अभी नागपुर में बनेगा, वहां 220 एकड़ जमीन, 230 एकड़ जमीन वो पतंजलि ने पेमेंट देकर के ली है। सरकार ने 3-4 विज्ञापन जारी किए, वहां को इन्वेस्टमेंट के लिए एक कोड़ी के लिए भी लिया।